हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म जो बनने वाली है, जिसके बारे में मैंने आपको पास में बताया था, जिसे देसी एवेंजर्स का नाम दिया गया था दोस्तों, मतलब अभी तक यही खबरें थी। आदित्य चोपड़ा उस पर काम कर रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े स्टार्स उसमें होंगे। लेकिन अब इस फिल्म से ही कुछ ऐसी बड़ी बात सामने आई है कि वॉर के कबीर यानी कि ऋतिक रोशन इसमें ज्वाइन जो करने वाले थे वो नहीं होंगे। स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। आ गया है यार का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मैं जो जो अपडेट्स आती हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से वर्क करती है या फिर जो चीजें बनती हैं जो नहीं बनती हैं वो मैं सारी आपको बातें बताता हूं। पास में सबसे बड़ी अपडेट ये आई थी कि ऋतिक रोशन का कबीर यानी कि वॉर का जो हीरो है वो भी पठान और टाइगर के साथ मिल जाएगा और दुश्मनों का बैंड बजाएगा। लेकिन 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 दोस्तों इस पर एक सबसे बड़ी बात जी न्यूज की खबर आई है दोस्तों, जहां पर ये सामने आई है चीजें कि ऋतिक रोशन, जी हां ऋतिक रोशन नहीं ज्वाइन करेंगे। और वो है पास्ट की कुछ बातें जो ऋतिक और ऋतिक वर्सेस सलमान खान प्लस शाहरुख खान है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही खान से नहीं जमती है बातें, ऐसी बातें हैं पास्ट की। एक्चुअल में दरअसल अगर आपको याद होगा तो कोई मिल गया के टाइम पे जादू का बहुत ज्यादा क्रेज चला था और एक अवार्ड फंक्शन के दौरान शाहरुख खान साहब और सैफ अली खान दोनों ने मिलकर जादू का रूप धरा था और उन्होंने ऋतिक रोशन का मजाक बनाया था उस वक्त स्टेज पे, जिसको लेकर ऋतिक काफी ज्यादा जो है हर्ट भी हुए थे। और ऋतिक रोशन ने उसके बाद डिसाइड कर लिया था कि मैं अब चीजें नहीं करूंगा, यानी कि इनसे बातचीत भी नहीं करूंगा, थोड़ी सी दूरी बनाए रखूंगा। और अगर आपने दोस्तों नोटिस किया होगा तो ओम शांति ओम का जो गाना आया था 2007 में, ओम शांति ओम, उसमें बॉलीवुड के तमाम ब्रिगेड्स थे, सारे एक्टर्स इन्वॉल्व थे, बट ऋतिक रोशन गायब थे। फरहान खान ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ऋतिक रोशन को आना चाहिए, उस वक्त की खबरें थी, और उन्होंने अप्रोच भी किया था, बट ऋतिक रोशन ने यह बात बोलती कि वो जोधा अकबर की शूटिंग के लिए बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए वक्त नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बातें यह है कि शाहरुख खान के साथ ऋतिक की नहीं जमती। वहीं साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात आई थी जब ऋतिक रोशन की गुजारिश रिलीज होने वाली थी संजय लीला भंसाली साहब के साथ, तो ऐश्वर्या भी थी उस फिल्म में, और सलमान साहब ने एक बात बोली थी और बोली थी कि कुत्ता भी नहीं देखने जाता मूवी संजय लीला भंसाली की। जी हाँ, ये बात बोली थी जिसपे ऋतिक रोशन और संजय लीला भंसाली दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हुए थे और उन्होंने पब्लिकली अपनी नाराजगी भी दिखाई थी। तो खबरें ये हैं दोस्तों कि ऋतिक रोशन का वॉर का कबीर नहीं ज्वाइन होगा इस बड़ी एक्शन एडवेंचर में, और रीजंस ये सामने आए हैं। अब देखते हैं, क्या पता आदित्य चोपड़ा मना ले या जो भी है, लेकिन जैसी जो खबर आई मैंने आपको तुरंत बता दी। इस पर कोई और अपडेट आएगी तो वो भी बताऊंगा। आपको बस बने रहना है चैनल के साथ, देखते रहना है। कीप ऑन वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। Bye-bye.